और बर्ड्स के बीच में वॉर हुई। बैट बर्ड्स के साइड था। फर्स्ट बैटल में बर्ड्स बुरी तरह हारे। जब बैट ने बर्ड्स को हारते हुए देखा तो वो वहाँ से उड़कर जाकर लॉक के नीचे छिप गया। फाइट के बाद जब एनिमल्स अपने घर गए तो बैट भी उनके साथ चला गया। उसे देखकर एनिमल्स ने कहा कि तुम हमारे अगेंस्ट थे अभी फाइट में। तब बैट ने कहा कि नहीं, मैं बर्ड से बिलोंग नहीं करता। क्या आपने कभी देखा है किसी बर्ड के टीथ और हेयर होते हैं? मैं तो आप में से एक हूँ। बीस ने बिना कुछ पूछे उसे अपनी टीम में रख लिया और उसे अपने साथ फाइट की परमिशन भी दे दी। अब बैट एनिमल्स की टीम में मिल गया था। इसके बाद एक और बैटल हुई। इस बैटल में बर्ड्स जीते। जब बैट ने देखा कि उसकी टीम हार रही है तो वो जाकर छुप गया और फाइट ओवर होने पर बर्ड्स जब घर पहुँचे तो वो भी वहाँ चला गया। और बर्ड्स ने जब पूछा कि तुम तो फाइट में हमारे अगेंस्ट थे, तो उसने कहा कि मैं बीस्ट से बिलोंग नहीं करता। क्या आपने कभी किसी बीस्ट के विंग्स देखे हैं? बर्ड्स ने उसे बिना कुछ पूछे उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया और अपने साथ लड़ने की परमिशन दे दी। और इस तरह बीस्ट और बर्ड्स के बीच में बैटल काफ़ी टाइम तक चली। कभी बैट बर्ड्स की टीम में जाता तो कभी एनिमल्स की टीम में। वो बार बार अपनी पोजीशन ऐसे ही चेंज करता रहता। वो एक टीम में कभी भी नहीं रुकता था। एक दिन बैटल फाइनली ओवर हुई। अब जंगल में बिल्कुल शांति हो चुकी थी। बीस्ट और बर्ड्स ने डिसाइड किया कि वो एक साथ रहेंगे। बीस्ट ने कहा कि अब हम फैमिली हैं। बर्ड्स ने भी कहा कि हाँ, अब से हम सब साथ में ही रहेंगे। और उन्होंने डिसाइड किया कि अब इस बैट का क्या करना है। तब बर्ड्स ने कहा कि अब से तुम ना हमारी तरफ हो, और एनिमल्स ने कहा कि ना अब से तुम हमारी तरफ हो, ना तुम्हारा कोई भी फ्रेंड नहीं होगा, ये तुम्हारा डिसलॉयल होने का सबक है। और उन्होंने काउंसिल में डिसाइड किया कि अब से बैट अकेले ही आसमान में उड़ेगा, उसकी मदद कोई नहीं करेगा और उसका कोई भी फ्रेंड नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस स्टोरी वी लर्न दैट वी शुड बी लॉयल टू अवर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कंट्री। थैंक यू।